हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल और डाइजेशन इन ह्यूमंस में हमने सिर्फ माउथ एंड स्टडी किया था तो आज हम स्टार्ट स्टडी कर, करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक के बारे में स्टमक क्या है एक बैग लाइक ऑर्गन है जो कि मसल से बना हुआ है द वॉल्स ऑफ द स्टमक आर लाइंड विद अ मेम्ब्रेन कॉल म्यूकोसा स्टमक की जो वॉल है वो लाइंड है विद अ मेम्ब्रेन कॉल म्यूकोसा and the mucosa secrete mucus which protect the inner lining of the stomach and mucosa क्या secrete करता है mucus secrete करता है जिसके कारण जो stomach की जो inner lining है वो कहरती protect रहती है food is churned and made into a paste in the stomach और जो food हमने chew किया और हमारे stomach में गया उसका paste बनता है stomach में द ग्लैंड प्रेजेंट इन द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक सीक्रीट गैस्ट्रिक जूस और जो ग्लैंड प्रजेंट है हमारे इनर वॉल में स्टमक के वो क्या सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस एंड दिस जूस कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पैप्सिन और इस जूस में क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है और पैप्सिन रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है एसिडिफाई करता है फूड को और अगर कोई फूड में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे किल कर देगा एंड पेप्सिन जो है वो डाइजेशन स्टार्ट करता है किसका प्रोटीन का पेप्सिन बिगिंस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन नाउ द एक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस एंड चर्निंग ऑफ द स्टमक चेंजेस फूड अ सेमी डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड काइम अब क्या हुआ कि जो गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक ने सिक्रेट किया एंड स्टमक में जो फूड चर्न हुआ वो फूड चेंज किस में हुआ सेमी डाइजेस्टेड फ़ूड में जिसको हम कहते हैं काइम ये जो टाइम है ये स्टमक को छोड़ देगा वहाँ से निकल जाएगा एंड कहाँ एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हमने क्या देखा कि जो फूड है वो पहले माउथ में गया देन वहाँ से इसोफेगस में एंड देन वहाँ से स्टमक में अब स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एंड पेप्सिन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा एसिडिफाई करेगा फूड को एंड जो पेप्सिन है वो क्या करेगा प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट करेगा उसके बाद स्टमक में जो फूड है वो सेमी डाइजेस्टेड हुआ जिसको हम कहते हैं काइम एंड देन वो काइम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा तो अब हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है तो आगे बढ़ते हैं चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है स्मॉल इंटेस्टाइन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग एंड नैरोइल्ड ट्यूब कनेक्टेड टू द स्टमक अब जो स्मॉल इंटस्टाइन है यह एक लॉन्ग और नैरोइल्ड जैसी ट्यूब है जो कि कनेक्टेड रहती है स्टमक से एज द टाइम एंटर्स द स्मॉल इंटस्टाइन बाइल फ्रॉम द गैल ब्लैडर एंड पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेंक्रिया मिक्स विद द फूड अब जो क्राइम था जो स्टमक में बना वो क्या होगा एंटर करेगा स्मॉल इंटस्टाइन में एंड देन बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस जो है वो मिक्स हो जाएंगे फूड के साथ अब बाइल कहाँ से रिलीज़ हो रहा है गैल ब्लैडर से एंड पेनक्राटिक जूस कहाँ से रिलीज़ हो रहा है पेनक्रियाज से तो बाइल और पेनक्रियाटिक जूस दोनों मिक्स हो जाएंगे फूड के साथ लेकिन वो जो बाइल है वो एक्चुअली में गैल ब्लैडर से रिलीज नहीं होता है वो रिलीज होता है सिक्रिट होता है लीवर से और गैल ब्लैडर में जाके स्टोर रहता है मतलब जो बाइल है वो लीवर से सिक्रिट होता है एंड ग्लैड बैडर में स्टोर रहता है बाइल जूस हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट पेप्सिन डाइजेशन कर रहा था प्रोटीन का वैसे ही बाइल जूस डाइजेशन करेगा फैट का और जो पेंक्रियाज है वो बहुत ही लार्ज ग्लैंड है जो कि आपके स्टमक के अबव रहता है एंड जो पैंक्रेटिक जूस है वो ब्रेक डाउन करेगा कार्बोहाइड्रेट का भी प्रोटीन्स का भी एंड फैट्स का भी इनटू सिंपल सब्सटेंस सो प्रोटीन का डाइजेशन किसने किया पेप्सिन ने फैट का डाइजेशन बाइल जूस ने एंड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का डाइजेशन पेनक्रियाटिक जूस ने जो स्टार्च है जिसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं वो कहाँ प्रेजेंट है पोटैटो में राइस में व्हीट में वो किस में ब्रेक होता है ग्लूकोज में एंड ग्लूकोज क्या है इट्स अ काइंड ऑफ शुगर वैसे ही प्रोटीन किस किस फूड आइटम में प्रेजेंट है पल्सेज में मिल्क एंड फिशेस में and वो किस में ब्रेक होते हैं अमीनो एसिड में जो कि क्या है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन सिमिलरली फैट टाइप में प्रेजेंट है किस फूड आइटम में प्रेजेंट है बटर में ऑयल में मिल्क में एंड मीट में लेकिन वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में प्रेजेंट है वो किस पे ब्रेक हुए इनटू सिंपल फैटी एसिड तो हमने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक हुआ ग्लूकोज में जो प्रोटीन है वो ब्रेक्स हुए अमीनो एसिड में एंड जो फैट्स है वो ब्रेक हुए फैटी एसिड में सो डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन माउथ एंड एंड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन अब जो डाइजेशन है फूड का वो कहां से स्टार्ट होता है माउथ से स्टार्ट होता है एंड एंड कहाँ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में लेकिन सिर्फ ग्लूकोज अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड ही रिलीज नहीं होते हैं इसके अलावा फूड में मिनरल्स भी होते हैं विटामिन भी होते हैं यहाँ पे आपका जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो टॉपिक है कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है वो यहाँ पे एंड होता है अब जो लास्ट टॉपिक बचा है लार्ज इंटेस्टाइन वो हम लोग तो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे तो अब क्या करना है वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना है शेयर करना है एंड कॉमेंट करके जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगता है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग